रेडियो सिटी 91.1 पर मेरा नाम है सुर्ड, मेरे साथ है पलक और इस वक्त हमारे स्टूडियो में दो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। एक हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं जरीन खान, दूसरे वो जो मतलब अभी सबसे पहले पलक बोलना चाहूंगा कि यार मैं अभी ना कमेंट्स पढ़ रहा था, नया जो इनका गाना है ईद हो जाएगी, नीचे लोगों ने नया ट्रेंड बना दिया कि भैया ये जोड़ी सुपर हिट है। उमर क्या हाल चाल है और इतने सुंदर लग रहे हो आप दोनों, क्या राज क्या आपकी सुंदरता का, जरा ये तो बताएं। थैंक यू सो मच। राज मेरे घर वालों से पूछना पड़ेगा। हर बार बिग बॉस का सीजन शुरू होता है और हर बार एक रूमर उन्होंने शुरू हो जाती है कि इस बार जरीन खान जाएंगी। डर लगता है आपको सबसे ज्यादा? डर नहीं है, पेशेंस नहीं है एंड आई एम जीरो टॉलरेंट टू नॉनसेंस। तो अगर मेरे से किसी ने उल्टी बात की तो मैं तो सीधा मार दूंगी। तो अगर मुझे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना के देते हैं मैं जहाँ पे लोगों को पीट पीट सकती हूँ तो मैं चली जाऊंगी। उमर का परफॉर्मेंस कैसा लगा? और ये सर्जन है, डॉक्टर है, डॉक्टर्स में तो पेशेंस ज्यादा होता है जनरली। आई थिंक ही हैड अ लॉट ऑफ पेशेंस इन द शो। आई हैव सीन यू नो इनका जो बिग बॉस है, क्योंकि और भी मेरे दोस्त है, करण भी था उसमें। तो यू नो अनफॉर्चुनेटली इनको बहुत ही, मुझे लगता है इनको बहुत ही अनफेयर तरीके से निकाला गया था बिकॉज देयर वाज सो मच अग्रेशन ऑलरेडी इन दैट शो, बट समहाउ ही वाज टर्म्ड एज अग्रेसिव। बट जहाँ पे जहाँ से मैं देख रही थी शो, ही तो वो सो काम के, जब झगड़े भी करता था तो आप बोल के झगड़े कर रहा है। कैन यू बिलीव दैट? मतलब दैट इज सम लेवल ऑफ पेशेंस। तो या आई थिंक आई रियली लाइक्ड हिज गेम, बट आपको मे बी ही बिकेम अ थ्रेट टू अ लॉट ऑफ पीपल, दैट्स व्हाई उनको निकाल दिया। पर आपको ऐसा लगा कि आपको आपके गुस्से वाले पार्ट ज्यादा दिखाए गए या जनरली क्या कहते हैं 12 के बाद पूरा सीजन देखते हैं? मैं एक्चुअली मैंने देखा नहीं बिकॉज मेरे में इतना भी पेशेंस नहीं है कि मैं सारे 100 आई मीन समथिंग एपिसोड्स में देखूं। तो ये नहीं मुझे पता कैसा दिखाया है क्या है, बट यू नो दिस द वे आई गॉट आउट। और बट ये कि ऑब्वियसली लोगों का प्यार मिला मेरे को, मतलब लोगों का सपोर्ट मिला, तो आई थिंक वो मैं चीज़ है। अब सी जरीन इज सेइंग, आई मीन इट मींस अ लॉट व्हेन शी सेज कि ऐसा हुआ वैसा, तो दिस इज हाउ पीपल वर एक्चुअली रिएक्टिंग कि यू नो इट वाज अनफेयर। बट आई थिंक द गुड थिंग वाज कि पीपल लाइक्ड मी एंड दैट्स व्हाई आई नेवर वेंट इन द शो कि लाइक कि मैं जीतूंगा या क्या, बट आई वाज लाइक यू नो पीपल शुड रिलेट टू मी। नहीं, जब मैं और करण हमारे एक और आरजे हम लोग बिग बॉस के अंदर गए थे, हमने क्या कहते हैं कंटेस्टेंट से बात की थी, आप उसी हफ्ते निकल गया था, एलिमिनेट हुए थे। बट आई एम नॉट इवन किडिंग, आपका नाम लेके वहाँ कंटेस्टेंट भी रो रहे थे, लाइक करण वाज मिसिंग यू सो मच, रश्मि वाज मिसिंग यू सो मच एंड दे वर लाइक ओ माय गॉड। और इनके चक्कर में 1.5 घंटा सिर्फ उमर की डिस्कशन हुई है वहाँ पे, सिर्फ 1.5 घंटा जो इंसान नहीं है उसके बारे में डिस्कशन करके शो चला रहे हैं, तो फिर निकालना ही क्यों था? बिग बॉस में ऐसा होता है, आई मीन वहाँ पे दे लाइक 12-13 पीपल ना, तो सब लोग ऑब्वियसली यू गेट यूज्ड टू वाचिंग ईच अदर एवरी डे। और मैं यू नो आई स्पेंड 100 डेज, तो ऑब्वियसली लोग मिस करते हैं, अब कितना कैमरे पे किया है और एक्चुअली मिस करते हैं वो आप कभी नहीं बता सकते। बाहर निकल के आपके घर ही आए थे? हाँ हाँ, नहीं ऑब्वियसली करण और रश्मि वगैरह, आई मीन राजीव, सो दीज आर द फ्रेंड्स आई रियली मेड। मैंने जिस तरीके से अभी बिचिंग की है ना, आई डोंट थिंक आज के बाद वो लोग मेरे को कभी कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे। हम हैशटैग चलाएंगे जरीन खान इन बिग बॉस, आनी आनी चाहिए। वी वांट हर, मतलब वी वांट हर, एवरीबॉडी वांट, एवरीवन वांट। क्या यार, मतलब यू नो सलमान आल्सो, और आप ऐसे करना, आप बता देना किस किस कंटेस्टेंट के साथ जाना है, आप ही लिस्ट बना देना। तो फिर मैं जाऊँ क्यों घर पर, कहीं वेकेशन पे नहीं चले जाऊँ उनके साथ? बिग बॉस में क्यों जाऊँ मैं अगर मुझे ही सब डिसाइड करके जाना है? उस वेकेशन के पैसे भी मिलेंगे ना, बढ़िया। अच्छा, सॉन्ग में ना पूरे सॉन्ग में जरीन की तारीफ हो रही है ना, इतनी तारीफ कभी रियल लाइफ में किसी लड़की की है? मैं एक्चुअली थोड़ा सा, जो मेरी दोस्त है वो बोलती है कि नो यू डोंट कॉम्प्लीमेंट, तो मैं थोड़ा सा एक्चुअली कम करता हूँ। आपकी नहीं, सब लड़कों की प्रॉब्लम है। हाँ, वो हो सकता है कि हाँ, कुछ जरीन को तो बहुत तारीफ मिलती है, आई नो इनको हर दूसरा आदमी मिलती है जो पहली बार मिलता है, तो इतना आप तो वाकई में इतनी सुंदर लिखती है जितनी स्क्रीन पे लिखती है। एक्चुअली आई वुड, एंड शी इज स्नो वाइट आल्सो, व्हाट टू डू अबाउट इट, ही नोस दैट आल्सो। एंड वहां पे एक जगह वाइट पेंट भी किया हुआ था, एंड आई वाज telling her, you know, you are actually whiter than that white paint also. And she's like snow white, you know. सफेदी की चमकार। तो वो कम है?
पर जरीन जब ऐसे रियल लाइफ में कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं इतने सारे क्या रिएक्शन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम? पहले तो मैं बोला जाऊंगी इंडियन लोगों को ना कॉम्प्लीमेंट लेना नहीं आता. हम लोग बोलते हैं इसको कुछ चाहिए होगा मेरे से. नहीं मैं ऐसे नहीं लेती हूँ बट आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू you know say about it because jaise maine bola I mean mere aise dikhne mein mera koi haath nahi hai like I have not really done anything it's just my parents ki genes or whatever but sometimes a little bitchiness of mine like if I'm in a bitchy mode or something then I will be like oh tell me something I don't know depending on who's giving me compliment so yeah tell me something new aur aapko abhi I'm pretty sure big boss se aane ke baad bahut sare inboxes aa rahe honge ladkiyon ke aur ye will you marry me types be my marry friend me I don't know yeah. but नहीं हाँ बट एक्चुअली यू नो बिग बॉस में जब मैं गया और लोग जो भी तारीफ करते हैं या नहीं करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन जब मेरी ना वहाँ पे व्हेन एकता मैम केम एंड उन्होंने जब मेरी तारीफ की उसके बाद तो आई वाज लाइक मुझे कोई नहीं चाहिए. आई वाज लाइक उन्होंने बोल दिया लाइक शी यू हैव अ वेरी गुड जॉ लाइन. तो एंड मेरे को कभी किसी ने ऐसा कुछ बोला नहीं कि यू नो उमर यू हैव अ गुड जॉ. कभी किसी ने ऐसा मतलब कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया जैसा उन्होंने दिया. तो उसके बाद तो आई वाज सो ओवरवेलम कि मैं जाके लोगों को बोल रहा हूं लाइक दिस. यार पर जब से आप लोगों ने टीजर डाला था जब से लोगों को पता चला कि उमर और जरीन साथ में आ रहे हैं तब से काफी बज़ बन गया था इसका. हां जी हां जी आप लोगों को आई एम श्योर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा रिस्पांस का. किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है वीडियो आने के बाद स्पेशली आज वीडियो आया है आपने जो बिहाइंड द सीन डाला था दैट आल्सो पीपल लव्ड अ लॉट. So yes, reaction to bahut acha hai. People are really liking our jodi and they're saying the chemistry is fab and all of that. I think wo isliye kyunki jaise main bolti aa rahi hu ki Umar aur main you know kafi time se abhi dost rahe hain. Not that we talk on a regular basis or we've you know physically met but somehow that vibe has been there you know. Right, to right. इसलिए आई थिंक वो दिख के आया है और आई एम रियली लाइकिंग दैट पीपल आर लाइकिंग आवर जोड़ी. और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे जब यू नो उमर जब एक बार जब वो बाहर निकले थे शो से एंड वो जब लाइव गए थे तो आई हैड कमेंटेड आई वाज सीइंग दैट लाइव. तो उसके बाद से काफ़ी सारे लोग हैं जो हमारे कोलैबोरेशन जो हमारा कोलैबोरेशन चाहते थे एंड आई थिंक ईद वाज द परफेक्ट टाइम टू गिव देम दैट कोलैबोरेशन. मैं जब भी कोई यू नो देखती हूँ गाना जहाँ पे रोमांस होता है व्हाटएवर तो मैं हमेशा सोचती हूँ यार मेरा कोई फ्रेंड और उससे मुझे रोमांस करना पड़ेगा. ये सॉन्ग में रोमांस नहीं था पहली बात. फिर भी यार जनरली कह रही हूँ एज एन मैं सिर्फ देख रहा हूँ जरीन को ओल्ड स्कूल सिर्फ देख रहा हूँ मैं लाइक इसके बाद क्या हो रहा है लाइक बस देख रहे हो आप पहले वो देख रहा है फिर मैं देख रही हूं देख रही हूं फिर डांस हो गया साथ में. आजकल कैसे तो माई फादर ऑल्सो आई मीन हाउ माई फादर मदर गॉट मैरिड वॉज की फादर के वेंट टू दिस place where he was posted and he was a tenant to my mother's house. Wow. And he liked her and he's like I want to marry her and then but that's how they got married. Kiraya maaf karne ka kya sahi hai? Yeah, that's what I'm saying. That was love actually, you know. Acha wo log jo aapne waise shuru mein jawab de diya lekin Umar ki taraf se bhi jawab chahenge. Umar वो लोग जो नीचे कमेंट कर रहे हैं वीडियो पे इतने सारे कि अब सिर्फ एक वीडियो से काम नहीं चलेगा हमें और कोलैबोरेशंस चाहिए और हमें इस तरह की जोड़ी को दोबारा देखना है उन लोगों को अपनी तरफ से क्या बोलोगे आप उन लोगों को? मैं जरीन तो बोलते हैं पिक्चर बना दो फिर तुम लोग तुमको चाहिए पिक्चर में काम. जरीन तो जरीन एक्चुअली प्रोड्यूसर है तो आप उससे बात भी कर सकते हो. तो उन लोगों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि ऑब्वियसली ये सॉन्ग आई मीन आप लोगों को बहुत पसंद आया ऑब्वियसली द जोड़ी ऑल्सो आपको अच्छी लगी तो ऑब्वियसली फ्यूचर में कुछ ऐसा होगा. आई मीन पीपल वांट अस टुगेदर इन अ सॉन्ग एंड आई मीन फ्रॉम माय साइड इट्स ऑलवेज अ थम्स अप. जरीन आपने सब लड़कियों को बहुत दिल से छुआ जब आपने बॉडी शेमिंग के बारे में इतने खुल के बात की और यू नो हम सब इससे गुजर चुके हैं और इंस्टाग्राम वर्ल्ड में और भी ज्यादा है कि यू नो यू क्लिक योर पिक्चर इन लाइक ओ माय गॉड मैंने भी बोली थी तुम्हारे कैमरे में मोटी आऊंगी तो मुझे मत लेना. सो हाउ व्हाट यू वांट टू से सब लड़कियों को कि कैसे डील करें अपने बॉडी में कॉन्फिडेंस कैसे लाएं बिकॉज इट इज गेटिंग डिफिकल्ट आल्सो टू मैच द स्टैंडर्ड्स. बट हु आर दीज पीपल हु आर सेटिंग स्टैंडर्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज कि स्टैंडर्ड्स है क्या. स्टैंडर्ड्स वो जो तुम अपने लिए डिसाइड करो दूसरे तुम्हारे लिए स्टैंडर्ड्स डिसाइड करने वाले होते कौन है. एंड यू नो बॉडी पॉजिटिविटी आई मीन यू इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेदर अ बॉय और अ गर्ल टू बी यू नो कम्फर्टेबल इन देयर स्किन क्योंकि राइट नाउ जिस तरीके की एरा में या वर्ल्ड में या यू नो
जगह में हम रह रहे हैं, इट्स ऑल मेक बिलीव. व्हाट इज इंस्टाग्राम, व्हाट इज ऑल दिस सोशल मीडिया, नथिंग इज रियल, इट्स ऑल मेक बिलीव. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्प्रेड दिस मैसेज कि भाई ये सारी रियलिटी नहीं है. यू नो एवरी मॉडल, एवरी एक्टर, एवरी एक्ट्रेस दैट यू सी, एवरीथिंग इज फोटोशॉप्ड. एंड ऐसे नहीं कि एवरीबडी इज परफेक्ट, या सब अपने फ्लॉज फोटोशॉप करके ही तुमको दिखा रहे हैं. तो कोई प्रेशर में नहीं होना है भाई. आई थिंक राइट नाउ जिस तरीके के स्ट्रेसफुल टाइम चल रहा है उसमें खुश रहना बहुत जरूरी है. तो बस उसकी तरफ भागो, ट्राई टू बी हैप्पी, डोंट अननेसेसरली मेक योर सेल्फ अपसेट एंड डिप्रेस्ड ट्राइंग टू अचीव सम स्टैंडर्ड्स विच गॉड नोज हू हैज सेट. यू आर योर ओन जज. बस इतना ख्याल रखो अपनी बॉडी का कि भाई हेल्दी रहो, फिट रहो, ताकि बीमारियों से दूर रहो. बाकी मोटा पतला, यू नो, काला गोरा लंबा, डजंट मैटर, दैट इज यू. आई थिंक इट्स योर कॉन्फिडेंस दैट इज इन योर सेल्फ विच इज गोइंग टू टेक यू अहेड. एंड अगर बातें सुनते रह गए तो फिर हो गया, रह गए. हमारा नेता कैसा हो जरीन. यार खड़े हो जाओ यार, इलेक्शन में बहुत अच्छा बोलती हो आप, है ना. Radio City.